हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक नए वीडियो के साथ, और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये स्पेशली हमने जो आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है अपने सीनियर सिटीजन के लिए किया है। सीनियर सिटीजन को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे परिवार के, हमारे फैमिली के जो एल्डर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आप रिटायर करते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास एक अच्छा कॉर्पस है उस कॉर्पस से कैसे अच्छे पैसे बना सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें कहीं भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके पैसे की अहमियत क्या है और उस पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करते हुए भी ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट है या जो रिटर्न है वो भी अच्छा है। तो आज का हमारा जो पूरा एपिसोड है इसी पे आधारित है, और इसको हम पूरे सेगमेंट को हमने दो पार्ट में रखा हुआ है। पहला पार्ट ये है कि जो सीनियर सिटीजन है उनका एक एस्पेक्ट हो सकता है कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो टैक्स सेविंग के पर्पज से करना है, और एक दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि मुझे टैक्स सेविंग अब नहीं करना, अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि मैं कुछ क्वार्टरली, मंथली उस तरह का कोई बेनिफिट ले सकूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये पूरा इसी पॉइंट को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन, जो कि हमारे परिवार के मार्गदर्शक भी होते हैं और जो हमारे परिवार को आगे लेके जाते हैं, उनके बारे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाए इस दोनों पॉइंटों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप टैक्स सेविंग प्लानिंग करते हैं तो आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बताने वाले हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है, जहां पे एक अच्छी रिटर्न भी आप उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे कि आप कहां पे जो टैक्स सेविंग के जो रेट्स थे उससे बेटर रेट, एफडी से भी बेटर रेट कहां मिल सकता है, और सबसे इंटरेस्टिंग कि उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आज हम ये बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसमें जिसकी भी एज 60 प्लस है वो इसके मेंबर हो सकते हैं। साथ के साथ अगर किसी ने 55 साल से 60 साल के बीच में वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी कि खुद से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई आर्मी और मिलिट्री के लोग हैं तो उनके लिए अलग सर्कुलर होता है, उनकी एज 50 के आसपास होती है। तो ये डिपेंड करता है, वो अपने एक सर्कुलर को देख लेंगे। तो इसका फायदा क्या है? पहली चीज की जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके ATC यानी कि टैक्स सेविंग, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जो टैक्स पे करना होता है उसमें वो पैसा बचाने का काम आता है। मैं बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड बताने की जरूरत नहीं। तो हम लोग लेमन वर्ड में बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इस फंड में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया है, तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और आपका कुछ टैक्स बन रहा होगा तो उस टैक्स को ये कम कर देता है। और साथ के साथ एक सेक्शन होता है ATC जो आपको इनकम टैक्स, जो टैक्स बनता है उसको, टैक्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। उसमें हम क्लेम भी कर सकते हैं, यानी कि मेरी सैलरी या मेरी जो पेंशन थी वो 5 लाख या 6 लाख या 8 लाख है, तो जब उस पर टैक्स बनेगा तो जितना भी हमारा सैलरी या पेंशन होगी उसमें से अगर आपने 1.5 लाख रुपए तक का इसमें लिमिट है, अगर 1.5 लाख रुपए तक लगाते हैं तो उतना अमाउंट कम हो जाता है, और बैलेंस अमाउंट पे जो भी टैक्स कैलकुलेशन होता है वो देना होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 8.3% का रिटर्न दिया जाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, और ये क्वार्टरली पेमेंट होती है। साथ के साथ इसमें अगर आप बात करें तो अप टू 50,000 जो एक सेक्शन है ATTTB, उसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक पर कोई TDS नहीं कटता, लेकिन अगर उससे ऊपर है तब TDS कटने लगता है। इसमें एक चीज़ क्या है कि 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और 1 साल के लॉक इन पीरियड होने की वजह से 1 साल के पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेन USP यही है कि 8.3% का आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर मैं इसी के बराबर की बात करूं तो फिक्स डिपॉजिट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्स डिपॉजिट में इसलिए बात कर रहा हूं अभी क्योंकि ये टैक्स सेविंग के पॉइंट से, यानी कि आपको टैक्स बचत करना है उसके पॉइंट को रख के मैं फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूं। अगर आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में भी जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सेम पैसा मिलता है, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें 0.5% तक का आपको सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाता है।
मैं फिर से ये बात रिपीट करूं कि जो एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, किसी भी बैंक का जो 5 साल के लॉक इन वाला होता है, जो भी नॉर्मल प्रिवेलिंग रेट होगा, आपको जो रेट मिलेगा 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है। कुछ केसेस में कम भी हो सकते हैं, लेकिन अप टू 5% आपको मिलता है। जनरली 5.5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इंटरेस्ट के पार्ट में दिया जाता है। इसमें भी टैक्स सेविंग की स्कीम होती है, एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि जब आपकी टैक्स कैलकुलेशन होगी तो ये पैसा उतने से कम कर देगा टोटल इनकम को, और आपके टैक्स को कम करता है, जो आप टैक्स पे करने वाले उसमें कम करता है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, अगर आप टैक्सेबल सैलरी स्लैब में नहीं है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कहने वाला, हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप टैक्स सेविंग के कैटेगरी में, यानी कि आपको एटीसी यानी टैक्स बचाने के लिए, यानी कि आपको कोई स्ट्रैटेजी टैक्स के लिए अगर करनी है तब ये ठीक है, अगर नहीं है तो मैं इसको आपके पोर्टफोलियो में कहूंगा तो रखें, लेकिन अपने हिसाब से सोच के रखें, जब जो मेरे और 2-3 पॉइंट हैं उनको करने के बाद। अदरवाइज अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी है तो ये प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट है। आप इसमें आंख बंद करके 1.5 लाख तक, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये हम आगे बात करेंगे। यानी कि अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो इस 2 में चले जाइए, बाकी पैसे को इसमें ना लगाएं। एकदम सही सुना, ना लगाएं, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, हम उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले जो सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा, तो मैं कह सकता कि उसमें आपको थोड़ा सा समय लगाना पड़ सकता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं। अब हम बात करते हैं कि टैक्स सेविंग का पार्ट हो गया हमारा, अब हम अपने सीनियर सिटीजन के लिए बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो आपके पास पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, 2 पैसा आपके पास हो सकता है। जो आपके रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिला, उसमें एक चीज ये हो सकती है कि उसी रिटायरमेंट के पैसे से अब आपको अपने लाइफ को चलाना है। दूसरे लोग वो हो सकते हैं जिनको ये तो ठीक है, बट उस पार्टिकुलर पैसे पे आपका लाइफ डिपेंडेंट नहीं है। तो अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि जो उस तरह के हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जिसका जो जब रिटायरमेंट का जो फंड मिला है, उसी फंड से उनको अपनी आगे की जिंदगी भी चलानी है। फिलहाल जहां पे हम रिस्क को मिनिमम यानी 0 करके बात कर रहे हैं, 0 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 99.999% मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। चलिए क्या है, पहले बात करते हैं NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये थोड़ा सा टर्म हो सकता है आपने ना सुना, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको इतनी अवेयरनेस और उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन ये आपका पैसा है, ये इंफॉर्मेशन आपको जाननी जरूरत है, क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट रेट में 2% तक का फर्क ला सकता है। सही, 2% तक का फर्क ला सकता है। तो मैंने पहले क्या कहा कि जो पैसे आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से लगाना था आप लगा दीजिए, आपको टैक्स सेविंग करनी थी 1.5 लाख लगाया, बाकी पैसे को लगाने की वहां जरूरत नहीं है। अब आ जाइए NCD। हो सकता है कि बहुत से लोग आपको बताएं कि NCD बहुत रिस्की है, ये है वो है, जो मार्केट में जनरली चलते रहते। देखिए NCD में अगर आप AAA rated, ध्यान से सुने आप, AAA rated अगर आप प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं तो रिस्क 99.99% कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं, मैं ये आपसे नहीं कह सकता हूं, लेकिन रिस्क बहुत कम है। जैसे SBI का NCD आ जाए, HDFC का NCD हो, और भी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनके NCDs हो, कोई रिस्क नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट FD से हमेशा ज्यादा होगा। मैं रेट तो नहीं कंफर्म कर सकता हूं, लेकिन FD का जो भी रेट होगा उससे अच्छे रेट देते हैं। लेकिन NCD की एक परेशानी है, मैं वो परेशानी भी आपको बता दूं। NCD की परेशानी यह है कि आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब डीमेट अकाउंट खोलना थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल तो जरूर होगा, लेकिन मैं अपने जो गार्जियन है, जो हमारे पेरेंट हैं या जो हमारे सीनियर लोग हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक दिन 1 घंटे भी अगर आपने अपना टाइम निकाला तो आप डीमेट अकाउंट आसानी से कहीं भी खोल सकते, किसी भी बैंक में खोल सकते हैं, और NCD वहां से आप खरीद सकते हैं। NCD खरीदने के लिए आप लोकल कोई भी एजेंट को भी बुला सकते हैं, एजेंट के थ्रू भी खरीद सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको फिर से एक हिदायत देता हूं कि अगर आपने किसी भी ब्रोकर या किसी एजेंट या किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं, एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, NCD आपके लिए केवल
AAA रेटेड होना चाहिए। आप AAA रेटेड के अलावा कहीं नहीं लगाएं, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का क्यों नहीं हो। मैं एक प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसमें 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपके पैसे के लिए बहुत कॉशस हूं कि आपका पैसा किसी भी तरह का नुकसान ना हो। पहली चीज हमने एनसीडी बताई, दूसरा है कॉर्पोरेट एफडीज। कॉर्पोरेट एफडीज भी इसी तरह के प्रोडक्ट है, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी से ज्यादा होता है। बहुत तरह के कॉर्पोरेट एफडीज हैं, आप वहां पे पैसा लगा सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का है, पीएनबी बैंक में जाके आप कर सकते हैं, और भी बहुत तरह के बैंक के प्रोडक्ट होते हैं जहां पे कॉर्पोरेट एफडीज हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल एफडी से ज्यादा पैसा देता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आपके पास रिटायरमेंट में 50 लाख रुपए मिले थे, मैं मान के चलता हूं आपको 50 लाख रुपए मिले, आपने क्या किया कि 1.5 लाख तो इधर लगाया, कुछ एफडी में लगा दिया। अगर आपने 10 लाख एफडी में लगाए, मैं अभी एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि 7.5% का आपको, 8% का आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अगर इसमें 8.5% हो जाता है तो ये तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, और आपको क्या बुराई है, कुछ भी नहीं करना है, आपका पैसा है, और ये आपको ध्यान रखना है कि उससे आप पैसे बना सके। मेरे हिसाब से ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कम से कम आप जब परचेज कर रहे हो, एफडी को खरीद रहे हो, तो आप कंपेयर तो कर सकते हैं ना। आप ना खरीदे, जहां से मन करे वहां से खरीदे, लेकिन जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, इसके साथ जरूर एक बार कंपेयर तो करें, क्योंकि आपने ये जो पैसा कमाया बहुत मेहनत से कमाया है। अगर 1% का भी एक्स्ट्रा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मिल जाता है तो मैं मान के चलता हूं बहुत बड़ा फायदा है आपके लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह के दो प्रोडक्ट हैं, अगर इसमें आप जाना चाहें, कॉर्पोरेट एफडी में भी ध्यान रखें कि AAA मतलब जो भी अच्छी कंपनी का हो, आप किसी भी थर्ड कैटेगरी की कंपनी में ना लगाएं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कहीं पे भी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, वहां से पूछ सकते हैं, आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, हम बेचते नहीं हैं, तो हम बेचने में आपकी कोई मदद नहीं करते, उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, हम बेचते नहीं, लेकिन आपको कोई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन और परेशानी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। मेल में इसलिए नहीं कह सकता हूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मेल में थोड़ी सी परेशानी। अब मैं तीसरा एंगल दे रहा हूं। तीसरा एंगल क्या है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए है कि देखिए, अगर आपके पास इस पैसे पे आपका लाइफ नहीं चल रहा, और या इसमें कुछ ऐसा पैसा है जिस पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में लगाएं और कुछ पैसे ईएलएस में भी जरूर लगाएं, बट कंडीशन याद रखें, अगर इसी पैसे से अगर आपकी जीवन चल रही है तो ना लगाएं। बहुत क्लियर शब्दों में उसमें ना जाएं, चाहे कोई भी आपको कितना भी ज्ञान दे, कितना भी समझाए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसमें ना जाएं, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको इस पे ही लाइफ को इसी पैसे से अर्न करना है, तो बहुत सिक्योर्ड जाएं, इंश्योरेंस पॉलिसी से दूर रहें, किसी भी तरह के इंश्योरेंस से दूर रहें। फिर तो आज के लिए हम इतना ही है, और ये पूरा का पूरा हमारा जो इन्फॉर्मेशन था वो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, जैसे चाहे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिस तरह से आपको कंफर्ट हो कनेक्ट हो सकते हैं, अगर कोई आपको परेशानी हो तो। आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने जो भी आपके बुजुर्ग मित्र हैं आपके सर्कल में, उनको जरूर बताएं, और हमारा वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।